Sokyam Dharma Sampadaha Atma Buddhi Prakashaya Deepa Jyoti Namostu Te. ऐसा अवसर किसी को बहुत कम मिलता है. दरका हुआ दर्पण और खंडित छवियां. डॉक्टर शेफाली ने कमरे से बाहर जाते ही कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर कुमार, घर में नया मेहमान आने वाला है. कपड़े ठीक करते हुए मैंने पर्दे की फांक से डॉक्टर मिस्टर कुमार का चेहरा देखा. वो एकदम फक पड़ गया था. मैं जब बाहर आई तो घुटी सी आवाज़ में डॉक्टर से कह रहे थे, डॉक्टर मैंने तो सुना था कि इस उम्र में बच्चे का कोई खतरा नहीं होता. डॉक्टर बोली, इसे खतरा नहीं कहते मिस्टर कुमार, संभावना कहते हैं. वाकई इस उम्र में बच्चे की कोई संभावना नहीं होती. दैट वे यू आर लकी, रादर शी इज लकी. फिर मेरी तरफ देखकर बोली, सिट डाउन डियर, वी हैव टू डिस्कस सो मैनी थिंग्स. और मैं उनके सामने बैठ गई. वो कागज़ पर कुछ लिखती जा रही थी, कुछ मौखिक निर्देश भी मुझे देती जा रही थी और मैं कनखियों से इनकी ओर देख रही थी. इनका चेहरा बिल्कुल राख सा पुता हुआ चेहरा लेकर के निष्पन्न बैठे हुए थे, जैसे वो वहाँ है ही नहीं. डॉक्टर को धन्यवाद देकर मैं उठी. उन्होंने घंटी बजाकर आया को बुलाया, दूसरी पेशेंट को आने के लिए कहा. तब भी ये इसी तरह बैठे हुए थे. फिर मैंने धीरे से कंधा छूकर कहा, चलें? तो ऐसे चौंके जैसे नींद से जागे हूँ. और फिर यंत्र चालित से चलकर बाहर गाड़ी में आकर बैठ गए. मैंने अपनी ओर का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया, तब जाकर इनकी तंद्रा टूटी और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की. मुझे इनके मूड का कुछ पता नहीं चल रहा था और मुझे उनके साथ घर जाते बड़ी घबराहट सी होने लगी. तो मैंने कहा, अब मैं घर जाऊंगी और फिर आऊंगी कॉलेज, लेट हो जाऊंगी ना, मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? ओके, उन्होंने कहा और यू टर्न लेकर के दूसरी दिशा में गाड़ी मोड़ दी और मुझे कॉलेज छोड़ दिया. गेट पर छोड़ने से चलेगा? चलेगा. मैं उतर करके अंदर घुसी. उसी समय डॉक्टर मिसेस शाह और अदिति अपनी कार से उतर रहे थे. वो दोनों कार पूल करती हैं हफ्ते भर में, एक हफ्ता वो एक हफ्ता वो. मुझे देखते ही बोली, आज जल्दी कैसे आ गई? अरे डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, तो फिर वहीं से आ गई. मैंने कहा घर जाऊँगी तो लेट हो जाऊँगी. अदिति बोली, डॉक्टर के यहाँ क्यों ऐसे? मिसेस शाह ने उसकी पीठ पर एक धौल जमाया, डॉक्टर के यहाँ कोई ऐसे जाता है क्या? हैं बेवकूफ़, उसका चेहरा तो देख ज़रा, उसके चेहरे का ग्लो तो देख, खुशखबरी है ना? मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस दी. फिर तो स्टाफ रूम में जाते ही वो खुशखबरी सुनाई गई और बधाइयों का तांता लगा है. पार्टी ये सब लोग चिल्लाने लगे. जब शोर कम हो गया तो मैंने कहा, देखो मैं सुबह घर से बिना कुछ खाए चली हूँ, वो कैंटीन जा रही हूँ, इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड मेरे साथ आओ. तो जितनी भी फ्री फ्रेंड थी सब मेरे साथ होली. कैंटीन में ऑर्डर देते समय मेरे मन में एक बात आई कि इन्हें मालूम था कि मैं घर से बिना कुछ खाए आई हूँ. घर में कुक है, पास में ड्राइवर है, कह सकते थे कि मैं टिफिन भिजवा देता हूँ. खैर उन्हें बात या तो ध्यान में नहीं आई होगी या जानबूझ करके भूल गए होंगे. लौटते समय मैंने मधुरम से अपनी पसंद की इमरती, इनकी पसंद के रसगुल्ले बनवा लिए. फिर सोचा कि मीठा मीठा क्या अच्छा लगेगा, तो समोसे और ढोकले भी बनवा लिए. ये शाम को जब ऑफिस से लौटे तो चाय के साथ इतना सारा सरंजाम देख कर के बोले, कोई ख़ास बात? मतलब ये दिखाना चाह रहे थे कि इनके नज़दीक कोई ख़ास बात हुई ही नहीं है. तो मैंने भी लापरवाही से कहा, नहीं ख़ास बात क्या है, अब सुबह खाना खा के नहीं गई थी ना, तो कैंटीन में जाना पड़ा और फिर कैंटीन की स्पेशलिटीज़ हैं तो मैंने कहा घर के लिए बनवा ली, ठीक है. फिर उसके बाद मेरा मन इतना ख़राब हुआ कि बचा हुआ सब मैंने रामचरण को दे दिया, कम से कम उसके बच्चे ही एंजॉय करें. नाश्ते के बाद ये सीधे स्टडी में घुस गए तो खाने के सामने वक्त ही बाहर आए. खाने के बाद फिर हॉल के सामने टीवी देखने बैठ गए हॉल में. मैं समझ गई कि ये मुझसे कतरा रहे हैं. मैंने कल के लेक्चर की तैयारी की, कमरे में गई, कमरे का टीवी थोड़ा देखा, फिर सारी बत्तियाँ बुझा कर लेट गई. ये कोई 11 बजे कमरे में आए. आते ही उन्होंने सारी बत्तियाँ जला दी. नींद का नाटक करना मेरे लिए ज़रा कठिन हो गया. फिर बिस्तर पर बैठते हुए सीधे मेरी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तुम्हें पता था ना
मैं समझ गई उनके प्रश्न का रुख क्या है। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा अंदाज़ा था, तो मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं अंदाज़ा था, कंफर्म तो करने के लिए तो डॉक्टर के यहाँ गए थे ना। थोड़ी देर वो चुप रहे, फिर बोले देखो डॉक्टर, इतनी गर्म जोशी से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी कि मैं मुझसे कुछ कहते नहीं बना, कल परसों तुम थोड़ा बात कर लेना। किस विषय में? वो बिफोर इट इज़ टू लेट कैन बी एलिमिनेट कैन बी टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी, उन्होंने अटकते हुए कहा। फिर तट से उठ बैठी। मैंने कहा आपको खुशी नहीं हुई ये तो मुझे पता है, लेकिन आप अबॉर्शन तक पहुंच जाएंगे ये नहीं सोचा था। तुमने सोचा ही क्या था हैं? लोग क्या कहेंगे? सोचा लोग क्या कहेंगे? Why? How they are concerned? इस उम्र में बच्चा पैदा करोगी? अब जिस उम्र में शादी की उसी उम्र में तो बच्चा पैदा करूंगी ना, लोग क्या कहेंगे? अरे फिर वही बात, लोग क्या कहेंगे? क्यों कहेंगे लोग? ये कोई अवैध संतान नहीं है, बाकायदा शादीशुदा है हम लोग। मुझे तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है इतनी बड़ी बड़ी बेटियों के होते हुए, आपने शादी भी तो की, तब ऑकवर्ड नहीं लगा? बाकायदा मैट्रिमोनियल्स में ऐड देकर के शादी की है आपने? शादी तो मैंने की ही इन बच्चों के लिए है। अच्छा हाँ, बुआ जी ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया था कि अब ये धर्मशाला हमसे नहीं संभलेगी, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारा भी घर बार, तुम्हारी बेटियों की चौकीदारी कब तक करेंगे हम? इसलिए आपको शादी करनी पड़ी। तो बताइए मेरा स्टेटस क्या है? मैं आया हूँ, केयर टेकर हूँ, गवर्नेंस हूँ, वार्डन हूँ कि बुआ जी की तरह चौकीदारी? फालतू बात मत करो, तुम्हें बच्चों की माँ बना के लाया हूँ। इतना आसान होता है माँ बनना? आपको लगता है आपकी बेटियाँ मुझे स्वीकार कर लेंगी माँ के रूप में? क्यों नहीं करेंगी? थोड़ा सा प्यार दो। अच्छा प्यार यानी कोई चॉकलेट है, कॉफ़ी है, टॉफ़ी है कि बच्चा वश में हो जाएगा? आपकी बेटियाँ मुझे कभी माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी माँ की याद उनके मन में अभी बहुत ताज़ा है, और वो किसी मुझे ही क्या किसी भी औरत को उनकी जगह देख नहीं पाएंगी। शायद इस शादी के लिए वो मन ही मन आपको कोसती भी रही हूँ, और इस समय वो इतनी नाजुक उम्र से गुजर रही है कि कोई भी रिश्ता उन पर लादना बहुत बेइंसाफी होगी। और हम लोगों के बीच में जो थोड़ा बहुत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है वही बना रही, यही बहुत है। ये क्या बोलती जा रही है, तुम्हें भी समझ में आ रहा है? उन्होंने झल्ला कर कहा और लेट गए। मैं बहुत देर तक नहीं सो पाई। उपन्यास के पन्नों पर, सिनेमा के पर्दे पर इस प्रसंग के कैसे कैसे मनोहारी चित्रण सुने थे, देखे थे, पढ़े थे, और मेरे घर में कैसी विपरीत लीला हो रही। दूसरे दिन कॉलेज जाने का जरा भी मन नहीं था, लेकिन फिर सोचा घर में बैठ के करूँगी भी क्या। बेमन से तैयार होकर जब बाहर आई तो रामचरण ने मेरी एक्टिवा धो पहुँच करके साफ करके पोर्च में लाकर खड़ी कर दी थी। उस पर बैठते समय मन कांपा, नहीं अब ये सवारी नहीं। मैंने रामचरण को भेज करके रिक्शा बुलवाया, लेकिन रिक्शे से कॉलेज पहुंचने तक लगा कि इससे तो अपनी एक्टिवा ही अच्छी थी। रिक्शे से उतर रही थी तो सामने मिसेस महाजन पड़ गई। वो हमारे स्टाफ की सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं और सब पर रौब झाड़ती रहती। मुझे रिक्शे से उतरते देख के बोली, तो इस खड़खड़िया में आई, शर्म नहीं आती तुझे? मैंने कहा वो डॉक्टर ने ना स्कूटर के लिए मना किया, मैंने एक झूठ जड़ दिया। तो कार में आओ हैं, स्कूटर से मना कर दी तो कार में आओ, कार है ना? हाँ कार तो है, पर हम दोनों के ना टाइमिंग्स भी अलग हैं और डायरेक्शन भी। तो नई कार लो, दिस इज अ प्रेशस चाइल्ड, नई कार तो बनती है। प्रेशस चाइल्ड, मैंने कहा घर आके देखिए इस प्रेशस चाइल्ड का कैसा स्वागत हो रहा है। उसके बाद मैंने कैब बुलाना शुरू कर दिया। यूँ तो गाड़ी थी मेरी, मैंने खुद खरीदी हुई थी, लेकिन शादी के बाद मैं उसे घर पे ही छोड़ आई माँ के यहाँ। उन लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी होम कर दी थी, एक गाड़ी के लिए अपने किराए किराए पे पानी फेरने का मन नहीं था। इन्हें तो इस बात का पता ही नहीं चला, क्योंकि ये मुझसे पहले जाते थे और बाद में लौटते थे। एक दिन मीटिंग के लिए मैं थोड़ा रुक गई थी,
उस दिन ये पहले पहुंच गए, मेरे घर पहुंचते ही बोले अरे तुम्हारी गाड़ी पोर्च में देखी तो मुझे लगा तुम घर पे हो। फिर रामचंद्र ने बताया कि आजकल फोर व्हीलर से जाती हो। मैंने कहा हाँ, डॉक्टर ने स्कूटर के लिए मना किया है। मुझे लगा वो कहेंगे कि अरे तो मुझसे बताना था ना, ड्राइवर दिन भर बैठा तो रहता है, पर ये कुछ नहीं बोली। मैं चाय पीते रही चुपचाप। चाय पान होने के बाद रामचरण सारा सामान समेट के ले गया तो ये बोले वो आज है ना ऐसे ही दफ्तर में बात हो रही थी। क्या बात? यही यही से समझ गई मैं कौन सी बात हो रही थी। मिसेस जयशंकर है ना मेरी, वो बोली इस उम्र में प्रेगनेंसी बड़ी रिस्की होती है, बहुत क्रिटिकल, और डिलीवरी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, सीजरिन इज मस्ट। मैंने कहा मिसेस जयशंकर कहाँ रहती हैं? यही ना शहर में। उन्हें पता नहीं आजकल 50% डिलीवरी सीजर होती है, पता नहीं डॉक्टरों का इसमें स्वार्थ है या परिस्थितियाँ वैसी हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी इज इन यूज आजकल। चुप हो गए। फिर बोले वो अयंगार साहब कह रहे थे कि इस उम्र में जो बच्चे होते हैं ना फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल होती हैं, कभी कभी तो दोनों ही दृष्टि से। मैंने कहा अयंगार साहब शायद जानते नहीं हमारी पिछली पीढ़ी में सारी महिलाएं मेनोपॉज तक बच्चे पैदा करती थी, क्योंकि रोकने का कोई साधन ही नहीं था। 10-10, 12-12 बच्चों की लाइन लग जाती थी। अगर उनकी बात सच होती तो हमारे यहाँ एबनॉर्मल लोगों की एक जमात की जमात खड़ी हो जाती। ये चुप हो गए। फिर बोले अगर बेटी हुई तो? मैंने कहा तो क्या? नहीं, इन दोनों की पढ़ाई और शादी के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचने वाला। मैंने कहा तो मैं हूँ ना, और जुड़वा हुई तो, क्योंकि मैंने सुना है कि ट्विंस अक्सर रिपीट होते हैं। मैंने कहा होने दो, जैसे पलक महक पल नहीं वैसे वो भी पल जाएंगी, और बेटा भी तो हो सकता है। मैंने भी सुना है कि दो बेटियों के बाद बेटा होता है। ये बोले बेटा हुआ तो मेरे किस काम का, उसके जवान होने तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तो वो आपकी बुढ़ापे की लाठी बन जाएगा ना। आखिर लोग इसी दिन के लिए तो बेटे की तमन्ना करते हैं। वो एकदम झल्ला गए, तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब मौजूद है। मैंने कहा इसलिए कि मैं पॉजिटिवली हर बात का विचार करती हूँ, नकारात्मकता सवालों को जवाब जन्म देती है। आपने ये खबर बड़ी मायूस अंदाज में ऑफिस में सुनाई होगी, तभी उन लोगों ने ऐसे भयंकर भयंकर उदाहरण दिए। मेरे यहाँ तो बधाइयों का तांता लग गया था, जबकि मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ। सही अप्रोच सवालों को खत्म कर देता है। मेरे सामने तो अभी भी एक सवाल बाकी है, अब क्या रह गया? अरे दिवाली की छुट्टी में लड़कियां आएंगी तो उनको कैसे बताएंगे? अनाउंसमेंट करना ज़रूरी? लड़कियां आपकी काफ़ी बड़ी हैं, समझदार हैं, सब समझ जाएंगी। लेकिन आपने विषय उठाया तो एक बात कहूँगी, इधर तो आप चाहते हैं कि मैं लड़कियों को माँ का प्यार दूँ, लेकिन उनसे मुझे जुड़ने ही नहीं देते। इतने दिन तक आपकी बुआ जी पहले पर थी और अब आपने उन्हें हॉस्टल भेज दिया। बताइए हम लोगों के बीच में संवाद होगा तो कब होगा? कोई इंटरेक्शन तो होना चाहिए ना। हॉस्टल जाने की जिद बच्चों की थी, वो कह रही थी कि हमारा हायर सेकेंडरी का साल है, हम शांति से पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ उनकी शांति भंग करने वाला कौन था? बल्कि मुझसे तो थोड़ी मदद ही हो सकती थी। सच तो ये है आपने इसलिए उन्हें नहीं रोका कि उनके सामने आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे, सच है ना? वो एकदम उठ खड़े हुए। इसी कम्फर्ट जोन को तो भुगत रहा हूँ, और झल्लाते हुए बाहर निकल गए। मैं देखती रह गई क्या हो गया है इस आदमी को, इन 8-10 दिनों में कितने बदल गए हैं, क्या कि हमेशा से ऐसे ही थे? और मैं अपने नए नवेले प्रेम के उन्माद में उन्हें ठीक से पहचान नहीं पाई थी। नवरात्रि शुरू हो गई थी, मुझे तो पता ही नहीं था। पहले तो मैं 9 दिन उपवास रखती थी, सुबह बिना चाय पिए पहले दर्शन करके आती थी और उसके बाद चाय पीती थी। इस बार मुझे तब पता चला जब स्टाफ में किसी का उपवास निकल आया। फिर मैंने माँ को फ़ोन किया, माँ ने उपवास के लिए एकदम मना कर दिया और कहा कि दर्शनों के लिए जाओ लेकिन जोड़े से जाना, पहली बार जा रही हो। तो फिर उस दिन मैं तैयार होकर बैठी थी, ये ऑफिस से लौटे मुझे देख के बोले इतना ड्रेसअप होके जाती हो कॉलेज? मैंने कहा कॉलेज आए तो मुझे आधा घंटा हो गया है, मैं मंदिर जाने के लिए बैठी हूँ,
माँ ने कहा था कि दोनों जाना, इसलिए आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अगर आप चलना चाहें तो अच्छा है, नहीं तो ड्राइवर से कह दीजिए। ड्राइवर को तो मैंने छोड़ दिया है, मैं चल सकता हूँ, चाय पीने की मोहलत मिलेगी। अरे कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी है, चाय पी कर वे फ्रेश होने चले गए और खूब अच्छा सा कुर्ता पजामा पहन कर बाहर आए। मैंने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है कुर्ता। हाँ तुम्हारे साथ जा रहा हूँ ना, नहीं तो ड्राइवर लगूँगा। मैं बड़ी खुश हो गई, एक तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए, इसलिए मैं बहुत खुश थी और मैंने अपेक्षा नहीं की थी। और पूरे रास्ते में चहकती हुई गई। मंदिर में पहुँच करके हम लोग गर्भगृह में गए। सौभाग्य से उस समय भीड़ ज़्यादा नहीं थी। पुजारी जी से थाली लेकर के मैंने सामान रखना शुरू किया, साड़ी चूड़ी बिंदी बिछिया मेवा मिठाई फल फूल और ऊपर से दक्षिणा, ये एक एक चीज़ बड़ी गौर से देखते हुए जा रही थी। बाहर निकलने के बाद मैंने कहा दर्शन के बाद ना थोड़ी देर बैठने का विधान है, कहीं बैठ लें। नीचे पानी के कुंड के पास पत्थर की बेंचें पड़ी थी, हम लोग वहाँ जा कर बैठ गए। एक 5 मिनट ही बैठने का इरादा था मेरा कि एकदम इनके आवाज़ सुनाई दी, थैंक्स गिविंग सानंद संपन्न हो गया। थैंक्स गिविंग क्या मतलब? नहीं, मैंने कहा धन्यवाद ज्ञापन हो गया। नहीं हिंदी, इतनी अंग्रेजी तो मेरे को आती है, आपने क्या कहा, लेकिन धन्यवाद ज्ञापन कैसा? हम लोग कभी भी मंदिरों में खाली हाथ नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं जाते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्यों, हमारे यहाँ मतलब नहीं, तो फिर आप धन्यवाद वाली बात क्यों कह रहे हैं? और पहली बार जा रही थी तो माँ ने कहा था कि माता रानी को साड़ी ज़रूर चढ़ाना, इसलिए चढ़ाई। अच्छा, मुझे लगा कोई मन्नत पूरी करने आई हो। मन्नत? मैंने तो कोई मन्नत नहीं मांगी थी, लेकिन अब आपने याद दिलाई है तो मांग लेती हूँ, है ना। और मैंने मंदिर की ओर हाथ जोड़ कर कहा माता रानी जिस दिन अपनी संतान को लेकर आऊँगी ना 1100 लड्डुओं का भोग चढ़ाऊँगी। संतान? संतान मतलब बेटा या बेटी? या हिंदी में तो दोनों के लिए एक ही शब्द है ना। नहीं मतलब तुम्हारे मन में क्या है? मेरे मन में मतलब नहीं, कृपा करके बेटे की दुआ मत मांगना, नहीं तो पलक महक सोचेंगे कि मैंने बेटे के लिए शादी की। इस बात पर मुझे गुस्सा आना चाहिए था, कम से कम रोना आना चाहिए था, पर मुझे हंसी आ गई। कमाल है मिस्टर कुमार, ये नए नए फंडे कहाँ से ले आते हैं रोज़ आप? कैसे फंडे? कुकुर राय, नहीं मैंने ये अपेक्षा कभी नहीं की थी कि ये खबर सुन के आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी पहली संतान नहीं है, लेकिन आप इतने गमजदा हो जाएंगे ये भी नहीं सोचा था। भगवान की दी हुई सौगात को लौटाने के लिए आप रोज़ मुझे कितने कितने तर्कों से बहला फुसला रहे हैं, आश्चर्य होता है। बट आई एम सॉरी मिस्टर कुमार, आपकी ये वाक चातुरी किसी काम में नहीं आई। ये मिस्टर कुमार क्या हो रहा है? वह हत्थे से उखड़ गया एकदम। मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अजनबी के साथ यहाँ बैठी हूँ। पता है आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी अनजान आदमी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, और ये फीलिंग मुझे बड़ी गिल्ट दे रही है। फालतू बात मत करो। नहीं सच कह रही हूँ, विश्वास नहीं करेंगे आप, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि ये वही व्यक्ति है जिससे मैंने शादी की। शादी के बाद अक्सर लोगों का मोह भंग हो जाता है, मेरा जरा जल्दी हो गया। मतलब इसकी शुरुआत तो एक शादी के दिन से ही हो गई। क्या मतलब? शादी के दिन मेरे घर में बड़ा उत्सव का सा वातावरण था। जिन भाइयों के लिए मैं इतने दिन अनव्याही बैठी रही, मुझे दुल्हन के वेश में देख करके वे आनंद विभोर हो रहे थे। माँ दिन भर में 50 बार मेरी नज़र उतार रही थी। वहाँ से चलते समय सबकी आंखों में आंसू थे, पर वे खुशी के आंसू थे। वहाँ से चलकर जब यहाँ आई, यहाँ का माहौल ऐसा था जैसे अभी अभी यहाँ से कोई अर्थी उठी हो। घर में जो 10-5 लोग थे वो भी लग रहा था जैसे मातम कुर्सी पे आए हों, और जिन देवी जी ने आरती उतार करके हमको गृह प्रवेश कराया वो तो ऐसे लग रही थी जैसे किराए से बुलवाई हैं। हाँ तो बात मत करो, मेरी चाची हैं अब वो, जो भी रही हों, ना तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी ना आंखों में कोई स्वागत का भाव था, एक काम था जो उन्होंने निपटा दिया। बहुत ज़्यादा धूमधाम की तो मैंने अपेक्षा भी नहीं की थी, लेकिन दरवाजे पर बिजली के झालर तो लटकाई जा सकती थी, आम का एक बंधनवार तो लगाया जा सकता था। दुल्हन के प्रवेश पर मंगल गीत न सही, शहनाई का एक रिकॉर्ड बजाया जा सकता था।
हमारा कमरा फूलों से ना सजाया जाता तो कोई बात नहीं थी, पर पलंग पर एक नई चादर बिछाई जा सकती थी ना। इतना कैजुअली ले लिया सबने। वहाँ से जब मैं चली थी तो सबने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी थी कि बेटा शादी में बहुत देर हो गई है, पर अब बाकी कामों में देर मत करना। उन्हीं लोगों के आशीर्वाद फल रहे हैं। वो तो फलेंगे ही, अंतरात्मा से दिए थे ना। लेकिन आपके यहाँ तो जैसे सबने दल बांध कर तय कर लिया था, खुश रहो। सबने एक ही आशीर्वाद दिया, खुश रहो। आजकल अष्टपुत्रा का आशीर्वाद कोई नहीं देता, मुझे मालूम है, लेकिन फूलों फलों तो कह सकते हैं। कोई मजाक में यही कह देता कि बहनों के लिए भाई ले आओ। और आपकी बुआ जी, वो तो बहुत ही ग्रेट। बुआ जी ने क्या किया? अरे उन्हें जब भी नमस्कार किया उन्होंने कहा जो हैं बनी रहें। जब यहाँ से चली थी ना जिस दिन, उस दिन मैंने कहा बुआ जी इसका मतलब तो समझाती जाइए, तो बोली कि ये जो दो बेटियाँ हैं ना इन पर सब्र करो अब बस। उनका वो बस मेरे कलेजे में शूल की तरह गड़ गया। मिस्टर कुमार, माँ बनना हर औरत का अधिकार है। इस अधिकार को छीनने की कोशिश करना उसके नारीत्व का अपमान करना है, और ये अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस बच्चे को जन्म देना है या नहीं देना, ये तय करने का हक सिर्फ मेरा है, और मैंने निर्णय ले लिया है कि ये बच्चा इस संसार में आकर रहेगा। आपके घर में जगह नहीं हो तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। वैसे भी मैं उसे ऐसे वातावरण में जन्म देना चाहती हूँ जहाँ उसका स्वागत हो, उसके आगमन पर खुशियाँ मनाई जाएं, मिठाई बांटी जाए। आपके घर में तो मातम ही होगा, ये मुझे मालूम है। इस पर भी आपको अगर कोई असुविधा हो रही हो तो प्लीज़ बता दीजिए, हम लोग अपने रास्ते अलग कर लेंगे। मैं बिना शर्त आपको आज़ाद कर दूंगी। हाँ एक शर्त ज़रूर है, इस बार जिस केयर टेकर को लाएंगे ना उसे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले समझा दीजिएगा, बाद में परेशानी नहीं होना चाहिए। और मैं उठकर खड़ी हो गई। सो द चॉइस इज योर्स मिस्टर कुमार, और मैं चल दी। मैंने पलट कर ये भी नहीं देखा कि वो मेरे पीछे आ रहे हैं कि नहीं। मेरी ज़िंदगी में उनकी अहमियत एकदम समाप्त हो गई थी। भाभी जीवन के एकाकीपन से खौफ खाकर मैंने इस उम्र में ये शादी की थी। अब अगर ये टूटती भी है तो मुझे कोई मलाल नहीं था, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी।